अब इसको जैसे ही मैंने मारा, Watch out! फिरता रहूं दर बदर। फिरता है तो फिरने दो, फिर हमको क्या, हम करते हैं गेम प्ले की शुरुआत। तो चाहिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग, अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। अब इस बार भी हम इसी घटिया जगह पे आए, और आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी, मैंने कुछ दिनों से गेम प्ले अपलोड नहीं किया, जिसके वजह से तुमको गुस्सा आया होगा कि नहीं। क्या मतलब किसी को झाड़ फड़क नहीं पड़ा? ऐसे तो नहीं होता है। अबे मम्मी, तुझे मैं पापा बना दूंगा। ये इधर कोई है क्या छुपा हुआ? चल बेटा। अबे यार बच गया, इसको जान तो भाड़ में पीछे से फुटी स्टेप आ रहे, उसको पेलता हूं पहले। चल बेटा, ये तो बॉट का बच्चा निकला, लगता है ये सामने वाले को ही पेलना पड़ेगा। चलो भाई, मेरे सामने वाला ये आगे गया। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ, फिरता रहूं दर बदर। तो फिर मांग। और भाई, इस मोड की वजह से पूरी गेमिंग कम्युनिटी में व्यूज का क्राइसिस आ चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता नहीं इस गेम का कुछ हो पाएगा। खैर, वैसे भी उन लोगों ने अब तक बहुत सारे पैसे कमा लिए, मुझे लगता नहीं उनको अभी चढ़ फर्क पड़ता होगा, है कि नहीं? लोग इस मोड को देखना ही नहीं चाहते। तुम कितना भी अच्छा गेम प्ले बनाओ, तुम कुछ भी करो, लेकिन उनको देखना नहीं तो वो देखेंगे ही नहीं भाई। ये बात पबजी वालों को क्यों समझ नहीं आ रही? उनका दिमाग घुटनों में है क्या? अमेरिका का दलाल। खैर भाड़ में जाए, हम पेलते इसको। ये ले, ये घोंचू बहुत ही मार खाया हुआ है, इस पे मॉलीगॉड का प्रहार करना ही पड़ेगा। 3 बार मॉलीगॉड बनूंगा मैं यहाँ पे। और अब निकालता हूँ डोरेमोन का चटपटा गोटा। तो चले बेटा, बोलो भारत माता की जय। बस आजा बेटा, आजा, तू भी आजा रिवाइव करने। ये रिवाइव करने आ रहा था, मार मार। अरे मेरे, अरे बाप, ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता? क्या हो रहा है? भाई ये मेरा टीममेट नहीं है, गोचिड़ है, मेरे शरीर पर है कि मेरा ही खून चूस रहा है। गोचिड़ मतलब जानवरों के ऊपर वो रहता है ना, ऐसा कीड़ा, टिक कहते हैं उसको शायद, टिक। उसका जब तक पेट नहीं भरता तब तक खून चूसता रहता है, उसके बाद में निकल जाता है। ये भी मेरे जब तक किल चोरी करने तब तक करेगा, उसके बाद में मर जाएगा। ये ले। ओ, मुझे पता है बेटे, तू इस साइड से आएगा। चल बेटा तू भी। अब यहाँ पे मैंने 2 बंदूक की पॉटी निकाल दी थी, और इसी दीवार के पीछे इसका बंदा इसको रिवाइव देने आ ही रहा था, लेकिन उसके टीममेट ने कहा होगा, भाई आगे मत जा, वो बहुत मार रहा है, मार मार के सबकी चमड़ी उधेड़ दी, तू आगे जाएगा तो तेरी पोटी निकाल देगा। लेकिन बेटे, डोरेमोन के 4 चटपटे गोटे है मेरे पास, ये मेरा टीममेट कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पे रेंग रहा है। तू मर जा भाई, तेरी मेरे को वैसे भी जरूरत नहीं है। गोचिड़ है तू, गोचिड़। मसला हो गया जी। ये ले। और भाई 10 घंटे फाइटिंग करने के बाद आखिरकार M4 मिल गई। खैर अब यहाँ पे इनको मारने के बाद इधर एक भी बंदा बचा हुआ नहीं था, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ये देखो ना मैप के ऊपर एक ही बंदा बचा हुआ है, जिसके फुटस्टेप मेरे को एग्जैक्ट मेरे आगे से आते। अब उसको लगा कि मैं नीचे से जाऊंगा, लेकिन बेटा 30 साल का तजुर्बा क्या गाड़ी में डालना है क्या? चल बेटा तुम भी। इधर हम क्या लसन पीसने बैठे गए? रोक, तेरे को M4 ग्लेशियर देता हूँ। अरे भाई, ये DBS वाला मेरे बीच में क्यों आ रहा है भाई? अभी इसको मारते था, लोग किल फीड देखते तो उनकी फट जाती, उसके बाद में बोलते भाई ट्रेव भाई आ चुका है, पानी में छुप जाओ, फिर मैं उनको पानी में घुस घुस के मारता। ऐसे तो नहीं होता है। क्या मतलब, कोई भी नहीं डरता, मेरी बिल्ली का बच्चा डरता है मुझसे। खैर अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था, मैप में देखो सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे बाकी, जो कि खुद हमें, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे घपाघप 4 बंदे आ जाते, पता नहीं कहाँ से। ये रहा, आप घोंचू चड्डी में चूहा घुस गया क्या? चल बेटा तू भी। अरे मेरे बाप, आना मत बेटा, आना है मत। अबे जानवर कब ऊपर आ गया भाई, मेरी तो मेरे मेरी गोटी मुंह में आ गए, मेरा दिल दुख रहा, बचाओ। खैर नौटंकी करने के बाद मैं फिर से वहीं पे आता हूँ, लेकिन तब तक मेरे टीममेट्स ने उन्हें मार दिया था। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचा था, जो कि एग्जैक्ट मेरे कहाँ है भाई बंदा? ये देखो ना ऊपर। अच्छा अच्छा, मसला हो गया जी। अबे खजबे, इधर हम क्या खजबे खुजाने बैठे क्या? खैर अब यहाँ पे कुछ भी बचा हुआ नहीं था, तो हम उठाते अपनी गाड़ी और आते हैं इस साइड। और भाई यहाँ से होने वाला है असली मामला शुरू। ये देखो, अब इसको जैसे मैंने मारा, Watch out!
एग्जैक्ट हमारे सामने एक टीम थी जिसके बंदे भाई खतरनाक स्प्रे मार रहे थे, एकदम जहरीले स्प्रे थे उनके, जिसके वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी तक तो अब पहले मुझे पता नहीं था कि भाई ये जहर खेल रहे, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है। शुरू में मैंने इनका एक बंदा नॉक किया, फिर हमारा उन्होंने किया, मतलब कि मेरे को नॉक किया ना, और मेरा एक टीममेट इधर राइट से उनके पास जाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसको रास्ते में ही लथेड़ने वाले हैं वो लोग, और मैं उनको देख रहा था कि भाई मेरे चंगुल में कोई फंस जाए बस। अरे भाई मैंने सोचा थोड़ा मुंह दिखा के उसको प्रसाद दे देता हूँ, लेकिन इसने तो मेरे को ही दे दिया। अब तुमको तो पता है कि मैं लॉन्ग रेंज की फाइटें ज्यादा लेता नहीं, क्योंकि अपने स्प्रे से कोई मर के देता नहीं। वो पहले उधर फायरिंग कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे को मार दिया, और ये देखो भाई मेरे टीममेट के साथ क्या हो जाता है। और घूम ओपन में, ये टावर के पीछे तेरे को कौन सा कवर दिख रहा था? तू क्या मिथुन दास समझ रहा है क्या, खुद को साइकिल के पीछे कवर लेने के लिए है? हम इधर लकड़ी के फट्टे के पीछे क्या गा अब फाइट के इस मोड पे आके मैं समझ चुका था कि भैया जी इनको अगर मारना है तो हमें लगाना पड़ेगा शेरलॉक वाला दिमाग। इस साइड से उनका कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये बंदे हमसे भी चालाक थे। ये बंदे जोन में जाने की नाकाम कोशिश पहले ही कर रहे थे। जिसका पता मुझे यहाँ पे चलता है। अबे घोचू, ये इतनी दूर जाके भी मेरे को फायरिंग दे रहा है, इसको कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं क्या अपने स्प्रे पे? खैर थोड़ा सा भरोसा तो मुझे भी है अपने स्प्रे पे। और बस बस भाई बस, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अंजलि को पान। क्या बोला तूने? मुझे नहीं मालूम। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उस नॉकआउट बंदे को फिनिश करना, चाहे इसमें मेरी गां जहां सब कुछ चला जाए, लेकिन फिर मैं उसको मारती रहूंगा। और इसका टीममेट उसको बचाने की इतनी नाकाम कोशिश करता है। अबे लसनिया, तेरे को इतना ही खुजली था उसको बचाने का, तो उसको लेने जाता ना बग्गी लेके, पहले मुंह उठा के आगे चला गया, और अब यहाँ पे दोस्ती की फेक मिसाइलें बना रहा है। तेरे पीछे मिसाइल घुसा दूंगा। फोकट में वो भी नॉक हो गया। खैर अभी उनको मारते मारते मेरे टीममेट के भी लसन लग चुके थे, तो मैं उसको देता हूँ फटाफट से रिवाइव, और चलते थोड़ा सा उनकी चट्टी के अंदर। चलो भाई चलो भाई, ये बहुत देर से मुझोरा कर रहा था, इसको मार मार के इसकी चमड़ी उधेड़ता हूँ अभी। का है भाई तू, ये रहा, चलो बेटा। और अब बचा इनका घोंचू लास्ट वाला बंदा, उसकी भी चमड़ी उधेड़ता हुआ ये बग्गी लेके जाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आ भाई लक्ष्मी, हम पे इधर लसन किससे बैठेगा, निकल यहां से। चलो भाई यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उठाते गाड़ी और आते इस साइड। अब यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा हील वगैरह मरम पट्टी सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मुझे देखता है कि आगे की तरफ से कुछ घोंचू लोग भाग रहे हैं, तो देता हूँ एक को पर्सा देता हूँ। और ये पता नहीं यार ये प्रोन क्यों हो जाता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये रहा, ए, हेड लग गया भाई इसको, शेट। कहा चुप गया भाई तू जानवर, फिर से हेड लग गया। अबे M4A की कागज की गोलियां है क्या ये? इसको नहीं छोड़ूंगा अब मैं। चलो भाई जल्दी चलो, घुसो जल्दी जल्दी घुसो, चड्डी में घुसो सबकी। अरे मेरा किल तो मेरे को मिल गया भाई, मेरा किल मेरे को मिल चुका है, मतलब कि ये बंदा खिल चुका है। अरे मेरे बाप, सॉरी भाई गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ वापस। अबे यार अभी इनको मारने की कोशिश मैं करूँ तो करूँ कैसे, एक तो वहां पे जाऊंगा तो बग्गी से उतारना थे कहीं, यही से कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। और ये देखो ये जानवर, ज़ॉम्बी लोग तुम नाच रहे हो, तुम्हारी माँ। अबे लसनी है, इधर नीचे आ गया, ये ले। पूरा फ्री जुड़ा बंदा, मस्त छुपा रुस्तम था भाई, लेकिन हमके यहाँ पे लसन पीसने बैठे गए। और ये देखो मेरे आगे की तरफ एक घोंचू है जो कि मुझे दिख चुका है, लेकिन यहाँ पे महक दिया, जो कि ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे गोटे मेरे मुंह में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लेफ्ट की तरफ से एक बंदा घुसपैठ कर रहा है और आगे की तरफ से एक और कर रहा है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे मुझे हील करने का समय मिला तो बहुत ही बढ़िया।
लेकिन नहीं तो फिर मेरे लहसन लगेंगे। फर्स्ट एड ये लो। लेफ्ट वाला भी आ रहा ससुरा। और अब चलो भाई, चले चले बेटा, चले बेटा तुम भी। बस अब यहाँ पे मेरी हालत पतली हो चुकी है, मेरे पास फर्स्ट एड नहीं है, लेकिन जोन मेरे पीछे डंडा डालने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये फटीले नतीजे की गाड़ी उठा के आता हूँ जोन में। चलो भाई। और यहाँ पे आते ही मुझे घोंचू दिख जाता है। अब तुम कहोगे कि भाई तू तो उसको ग्रेनेड से क्यों मार रहा है, गन से क्यों नहीं मार रहा? मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, मेरा थोड़ा सा वेस्ट डैमेज था और हेलमेट लेवल 1 का है, उसके पास पता नहीं कौन सी कंपनी का हेलमेट वेस्ट हुआ है और पता चला वो हमें मार के चला गया, इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस चलो भाई, घबा का भी यहाँ पे अपना चिकन डिनर हो चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और आशा करता हूँ आपको ये गेम प्ले बढ़िया लगा हो, अगर बढ़िया लगा हो तो इस पे कर दो 10,000 लाइक, सिर्फ 10,000। और भाई आज की मजदूरी करते हैं एपिक खत्म। तब बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। अबे घोचू, अबे घोचू, जरूर मन ना जरा, अबे घोचू जोरान मन ना, अबे घोचू, भारत माता की जय। मन बाल माता की जय। जोरान मन बाल माता की जय। भांजी अब वो बात नहीं रही तुम्हारे आवाज में। आवाज माता की जय।